आला अधिकारी ने ली संज्ञान और डंगरा फैजी टोला का किया निरीक्षण। बताते चले कि जहां 22 प्रखंड के श्रीपुर मलाटोली पंचायत के फैजी टोला में लगातार कटाव से पूरे प्रखंड में हलचल सी मची हुई है, वही दिन प्रतिदिन नदी का रौद्र रूप अपना पांव पसारता जा रहा है, जिसको लेकर लगातार जनप्रतिनिधियों के द्वारा आना जाना जारी है। लेकिन धरातल पर अभी तक किसी प्रकार का कार्य न किए जाने पर ग्रामीण काफी आक्रोश है। वह सोमवार को पूर्व विधायक प्रत्याशी निसार अहमद भी कटाव स्थल पर पहुंचे और कटाव का जायजा लिया। हालांकि इनके साथ फ्लड फाइटिंग के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर एवं SDO कटाव स्थल पर आकर कटाव का विस्तृत जानकारी ली, जिसे पूछने पर बताया कि स्थिति काफी भयावह है, जिसको देखते हुए तुरंत इसकी सारी जानकारी इसके बने अध्यक्ष को लिखित दे दी गई है, जहां जल्द से जल्द कार्रवाई शुरू कर दिया जाएगा। वहीं साथ में मौके पर पहुंचे पूर्व विधायक प्रत्याशी बैसी निसार अहमद ने कहा कि सरकार सीमांचल के साथ नाइंसाफी कर रही है, सरकार सिर्फ पटना को ही चमकाने का कार्य कर रहे हैं, क्षेत्र के ग्रामीण के लोग किस हालत में हैं, किस मुसीबत में हैं, उनकी खबर लेने वाला कोई नहीं है, सिर्फ चुनाव के समय ही सीमांचल नजर आती है। आज जो स्थिति यहाँ फैजी टोला में है, अगर इसका कार्य जल्द ना किया जाए तो गाँव को नदी में विलीन होने में समय नहीं लगेगा। तकरीबन साल भर से फैजी टोला के गांव के निवासी जो है इस कटाव से झेल रहे हैं और आज तकरीबन आज खुद नज़र से देखिए कि क्या स्थिति है, क्या भयावह स्थिति है। आप एक जनप्रतिनिधि होने के नाते क्या लोगों को आश्वासन दे रहे हैं? मौके पर कई आला अधिकारी भी पहुंचे हैं। आला अधिकारी को बुलाए हैं, अभी विजिट कराए हैं जी, और सारा कार्रवाई करने के बाद ये लोग रिपोर्ट आगे करेंगे। मेरा सरकार से ये कहना है कि ये मामला सिर्फ फैजी टोला का नहीं है, ये मामला पूरे सीमांचल का है, और ये जो कटाव है अगर पिछले साल रोक दिया जाता आज ये मामला नहीं बढ़ता। यहाँ से हाईवे उधर देखिए सिर्फ 150 मीटर है जी, इसके बाद जो बाढ़ आएगा ये पूरे गाँव को समेटता हुआ लेके चला जाएगा जी। मेरा सरकार से यही अनुरोध है, जल्द से जल्द ये काम करवाया जाए, नहीं तो ये पूरा गांव तबाह हो जाएगा और हाईवे तक ये कटान चला जाएगा। सरकार एक तरफ बोल रहा है कि पूरे बिहार में जो है विकास हो रही है, कहीं लोगों को किसी प्रकार की जो तकलीफ नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पर देखा जा रहा है कि एक साल से लोग कटाव झेल रहे हैं लेकिन सरकार विभाग इस तरफ उनकी नजर नहीं आ रही है। हाँ, विकास की कमी है, विकास हो रहा पटना में हो रहा है जी, पटना को आप सजाइए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या सरकार को सिर्फ जो वोट पटना के ही लोग दे रहे हैं? सुनिए, पटना को सजाइए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये भी बिहार का हिस्सा है, यहाँ का इस सीमांचल का पटसन का खुशबू वहाँ के पटना के विकास में नजर आता है, यहाँ का जो पीला सोना है मक्का जी, उसकी चमक पटना के विकास में दिखाई देता है, यहाँ का जो मजदूर है, बिहार का जो वेल्थ क्रिएटर है, कौन है, मैन पावर है, जैसे NRI विदेशों से पैसा कमा के भेजते हैं उसी तरह बिहार के मैन पावर बिहार में अन्य प्रदेशों से पैसा कमा के बेचते हैं, खास करके पूर्णिया, अररिया, कटिहार, किशनगंज, सीमांचल किशनगंज से। यहाँ 22 विधानसभा, चाहे वो पूर्णिया, चाहे वो अररिया, चाहे वो किशनगंज, चाहे कटिहार, ये जितने भी पंचायत के लोग हैं ये बाहर यहाँ का मैन पावर करते हैं, खटने जाते हैं, वहां से दिन रात कमा करके पैसा भेजते हैं। जानते हैं वहां से कितना पैसा भेजता है? एक महीने में कोई ऐसा पंचायत नहीं होगा जिस पंचायत में 2 से 2.5 करोड़ रुपए नहीं आता होगा। खाली 22 विधानसभा के 36 पंचायत में 100 करोड़ रुपए पर महीने के आते हैं। तो जनाब, आप इस पैसे से पटना को चमकाते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है जी। सर, यहां भी लोग रहते हैं, वहां बाहर प्रदेश में रात दिन खटते हैं। कमी किसकी है? सुन लीजिए, बाहर प्रदेश में रात दिन खटते हैं, जब इसकी मकान बाढ़ में उसके नदी में जा रहा है तो रात दिन वहां नींद नहीं आता सर। मुझे सरकार से यही अनुरोध है कि आप इस कटान को रोकिए, इसमें तुरंत कार्रवाई करवाइए। खाली यही का मामला नहीं है, पूरा सीमांचल का मामला है जी। ये बाढ़ पीड़ित एरिया है, सरकार से पैसे की कमी नहीं है, सरकार के पास बस तवज्जो चाहिए। सरकार के पास पैसे की कमी नहीं है, लोग सीट पर बैठा देते हैं, लेकिन हर साल हर वर्ष खासकर सीमांचल में कई ऐसे एरिया हैं, चाहे वो बायसी हो, डगरवा हो, अमोर हो, लाखों घर जो है नदी में वो कटाव के जद में आ जाते हैं। आखिर इसमें कहां सरकार विफल काहे हो जाती है? विफल इसलिए होती है कि यहाँ पे जिम्मेदारी, बड़े बड़े AC रूम में बैठने से वो यहाँ के लोगों का परेशानी भूल जाते हैं, उनको ये एहसास नहीं होता है कि हमारे प्रदेश में लोग भी रहते हैं, परेशानी में रहते हैं, इनकी परेशानी को वो लोग
एसी के रूम में बैठ करके भूल जाते हैं। मैं यही कहना चाहता हूँ, आप एसी रूम में रहो जी, लेकिन हमारी परेशानी भी दूर करो। अरे लोग लायक है नालायक है, काबिल है नाकाबिल है, अगर तकलीफ में मुब्तला है तो उसकी तकलीफ दूर कीजिए। ठीक है, आज जो आला अधिकारी पहुंचे हैं उनसे आपकी बात तो हो चुकी होगी, क्या आश्वासन मिला उनकी तरफ से अब तक? आश्वासन, सबसे पहली बात तो हम आज 3 दिन से हम आला अफसर से संपर्क कर रहे थे जी। आज जब हमको खबर मिली कि मैं आ रहा हूँ तो मैं आला अफसर को लेके आया हूँ। अब यहाँ वो देख रहे हैं कि आप सब लगे हुए हैं जी। सब लगे हुए हैं और उसने आश्वासन दिया जल्द से जल्द काम शुरू करेंगे। कहीं ना कहीं यहाँ के लोगों को अब उम्मीद जगेगी, नहीं कटाव का कार्य? अरे उम्मीद जगेगी, कटाव रुकना ही होगा, नहीं तो तबाह हो जाएगा ये लोग। वो देखिए ये घर कितना दूर है, सिर्फ 50 मीटर है जी। वो देखिए हाईवे 150 मीटर है, देखिए जी। कटाव तेजी से हो रही है और लगातार जनप्रतिनिधि का यहाँ पर दौरा है, अब तक क्या कुछ कटारोधक कार्य किया गया, क्या आश्वासन मिले? आज अधिकारी भी मौके पर पहुंचे हैं, क्या उम्मीद है आप लोगों को? उम्मीद तो अब दिख रहा है, लेकिन जो हमारा वर्तमान विधायक है, एक साल पहले हम उनको लेकर आए थे, अगर उस टाइम अगर वो काम स्टार्ट कर देते, उस टाइम अगर ध्यान देते तो आज इतना दूर जो है ना कटा नहीं है। अभी हाजी साहब जो बिहार सरकार के पूर्व मंत्री है वो परसों आए थे, विधायक रुकनुद्दीन जो अभी प्रेजेंट में है वो भी कल आए थे, आज निसार अहमद पूर्व कांग्रेस प्रत्याशी 22 विधानसभा वो भी आए हुए हैं, और वो स्कूटनी जो इतना वो इंजीनियर है वो साथ भी वही लेकर आए। जनप्रतिनिधि का तो लगातार दौरा हो रही है यहाँ पर, लेकिन धरातल पर क्या काम हो रहा है? अभी तक कोई काम नहीं हो रहा, खाली आया डीएम साहब भी परसों आए थे, लेकिन कहा अभी तक कोई आश्वासन तो देके गया है, लेकिन काम जो है ना अभी दिख नहीं रहा जो स्टार्ट कब होगा। अगर सर समय पर काम नहीं होगा तो फिर यहाँ का ग्रामीण क्या एक्शन लगे, आगे का क्या रणनीति? ग्रामीण का यही कहना है जल्द से जल्द अगर काम स्टार्ट नहीं होगा तो हम लोग जो है ना ये रोड को जाम करेंगे, हाईवे जाम करेंगे। और यहाँ देखिए ना 50 मीटर भी नहीं दूरी है, लोग रात में सोते भी नहीं है, रात में जगे हुए रहते हैं, पता नहीं कब जो उसका कटान लेके मतलब उसका पूरा घर लेके नदी में समा जाए। मैं मोहम्मद जहीरुद्दीन, मुख्य प्रतिनिधि ग्राम पंचायत श्रीपुर मल्लाटोली जी। मैं अब्दुल मालिक, सरपंच प्रतिनिधि श्रीपुर मल्लाटोली 12 नंबर वार्ड। आपके यहाँ वार्ड में जो है लगातार कटाव जारी है, और हमारे पूर्व हमारे वर्तमान विधायक रुकनुद्दीन साहब जो है आए थे, जगह पे काम कुछ भी नहीं नजर आ रहा है, और पूर्व विधायक हाजी अब्दुल सुभान साहब भी आए थे, अनिसार साहब भी आए, बाकी अभी काम तो नजर नहीं आ रहा, बाकी हम लोग अब उम्मीद करते हैं काम होगी, ये काम होगा। अगर काम नहीं होती तो आगे आप लोग का क्या? हम लोग जो है NH 31 में जो है हम लोग जो है धरना में बैठेंगे पूरे गाँव वाले, जब तक काम नहीं होगा, जब तक काम नहीं होगा तब तक हम लोग जो है धरना से नहीं हटेंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया।